हरदोई में जिला आबकारी अधिकारी ने चार लोगों के विरुद्ध 90 लाख रुपए की फर्जी एफडीआर लगाकर शराब दुकानों का नवीनीकरण आग कमाने और उसे रुकवाने का काम किया है। ये कराने के लिए 3 अलग अलग एफआईआर शहर कोतवाली में दर्ज कराई गई हैं। इसके साथ ही आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए शराब की दुकानों को भी सीज कर दिया। अब इस मामले में पुलिस अन्य आवश्यक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। हमारे यहाँ देसी शराब के अनुज्ञापी श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, संगीता देवी अग्रवाल, सत्य प्रकाश पांडे व रजनीश कुमार सिंह के खिलाफ थाना शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन लोगों ने अपनी दुकान आवंटन के बाद जो प्रतिभूति के रूप में एफडीआर जमा करनी होती है वो फर्जी एफडीआर बनवा के जमा की थी और जिनकी धनराशि लगभग 90 लाख रुपए थी। जब बैंक से इनकी जांच कराई गई तो एफडीआर फर्जी निकली, उसी के आधार पर इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। कितने समय से ये लोग जो है ये लोग, इनमें कुछ दुकानें 2021 और 22 से थी, कुछ दुकानें 2022 और 23 से थी, कुछ दुकान जो है इस साल ही ली थी। इस तरह से कुल 7 दुकानें थी और इन दुकानों का संचालन जो है सभी का सुरेश कुमार अग्रवाल के पुत्र जो है कुलदीप अग्रवाल द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने अपने नाम की फर्जी एफडीआर बनवा की है, जमा की है, वो भी इसमें शामिल है और उन्हें अभियुक्त भी बना।